हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या कहते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए निकालना है, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो आप, बिल्कुल ईजी है। फिर क्या कहता है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। तो कह रहा है क्या ये जो इंटरेस्ट आएगा ऊपर वाला, ये ज़्यादा होगा अगर ये कंपाउंडेड एनुअली के लिए होता, उससे ज़्यादा होगा। सिंपल सी ये बात कह रहा है कि अगर हाफ ईयरली में जो इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा क्या अगर कंपाउंडेड एनुअली में जो इंटरेस्ट होगा उससे। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में ज़्यादा ही रहता है इंटरेस्ट रेट। अगर आपको कहानी याद रखनी है ना, तो आप ऐसे याद रखो, देखो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे कम रहता है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा किस में रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो एनुअली वाला रहता है, एनुअल वाला, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली वाला होता है। ये चीज़ आप याद रखना, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है हाफ ईयरली में, एनुअल में थोड़ा सा कम, और सिंपल इंटरेस्ट में बिल्कुल कम होता है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कि हाँ ज़्यादा ही मिलेगा हाफ ईयरली वाले में, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो इसमें आपको करके तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बात पहले भी समझाई थी हाफ ईयरली में कि ज़्यादा होता है एनुअली वाले से, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं, पहले तो सॉल्व करते हैं हाफ ईयरली का। प्रिंसिपल कितना है आपके पास इसमें, 10,000 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% का, और जो टाइम है वो कितना है, 1.5 ईयर का। तो 2 × 1 = 2, ये कितना हो गया, 3/2 हो गया। और आपको पता है हाफ ईयरली में टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और रेट को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये आ गया 5, और यहाँ कितना आ गया, ये 3 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप कंपाउंड अमाउंट आप निकाल सकते हो कैसे, P1+ में R/100 डिवाइड में, और यहाँ पर ऊपर पावर में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000, 1+ में आर कितना हो गया, 5 5/100, और टाइम हो गया ये 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट इसमें अगर एलसीएम ले लूँ तो ये 100+ में 5 बनेगा और पावर 3, और ये क्या है, 10,000 है। तो देखो 10,000 मल्टीप्लाई में 105/100, 105/100 एंड 105/100, कितनी बात क्लियर है, समझ में आई है, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 3 टाइम्स क्यों लिखा, पावर 3 थी, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। अब इसमें आप डायरेक्ट कर लो, 105 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 105 को 105 से, फिर 105 से। तो ये देखना आप, आपके पास जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 1157625, और डिवाइड में 100 है। देखो ये आप 5 से कट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ईजी करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया इसमें। तो 1157 6.25 आ जाएगा आपके पास रुपीज़, 100 हटाएंगे तो 0.2 इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, पता है ये सब आपको कहानी। उसके बाद देखो पता है ना, ये तो 100 हटाएंगे अगर, तो ये पॉइंट इधर चला जाता है। अब कहोगे पॉइंट तो है नहीं कहीं, जब कोई पॉइंट नहीं होता तो समझना यहाँ है पॉइंट, यहाँ से जाना है उसको इधर, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद उसने तो इंटरेस्ट पूछा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल देते हैं हम इसमें। देखो अमाउंट तो हमने निकाल ही दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल देते हैं। देखो कैसे होता है, कंपाउंड अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, तो ये 1157 6.25 माइनस में 10,000 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1576.25 रुपीज़, कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली वाला, ये ज़्यादा ही है कंपाउंडेड एनुअली वाला, ठीक है। तो मैं इसमें पहले ही लिख देता हूँ येस, आंसर क्लियर है इतनी बात, ठीक है। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो इसमें कि होगा भी कि नहीं होगा, तो आप निकाल के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर हम निकाल देते हैं, देखो कंपाउंड अमाउंट यहाँ मैं कर रहा हूँ कौन सा, एनुअली वाला, ठीक है। तो P1+ में R/100 और यहाँ पावर में T, P है यहाँ 10,000, 1+ में रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 10 रहेगा बिकॉज एनुअली की बात हो रही है, और टाइम यहाँ कितना रहेगा आपके पास, 1.5 ईयर। तो 1.5 में भी आपको पता है 1+ हाफ करेंगे, ये आपको आता है एनुअली वाला सोल्व करना, तो यहाँ 1 लेंगे क्योंकि 1.5 में 3/2 आता है, तो 3/2 तो इसमें सोल्व नहीं हो सकता। हाफ ईयरली में तो चलो ये 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 2 कट जाता था, लेकिन एनुअली में तो नहीं कटेगा। तो आपको पता है फिर यहाँ पर कंसेप्ट, ठीक है, 1 के लिए निकाल लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो देखो ये 10,000, और ये आपके पास जब आप एलसीएम लोगे तो ये 100 आएगा यहाँ, 100+ में 10, और ये आ जाएगा आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई में 110/100, और एक ही बार आएगा पावर 1 है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो ये आपके पास आ गया 11,000, ये आ गया 11,000, ठीक है। अब आपको पता है कैसे करते हैं हम हाफ ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे जिसमें आपको फॉर्मूला तो पता ही है। यहाँ पर जो तो प्रिंसिपल है वो क्या बन जाता है, ये वाला कंपाउंड अमाउंट। तो ये 11,000 इंटू में रेट 10% का ही है, और टाइम कितना था इसमें हाफ ईयर का, तो हाफ लेंगे और ये 100 हो गया, ठीक है। तो देखो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया आपके पास, 550,
ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट जो होगा वो कितना बनेगा आपके पास, टोटल अमाउंट ये आपको पता है क्या करते हैं हम, ये 11,000 जो अमाउंट आया था पहले इसमें ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 11,550 रुपीज़। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट ये वाला कंपाउंड वाला, ठीक है, माइनस में क्या करते हैं हम प्रिंसिपल, तो ये 11,550 माइनस प्रिंसिपल कितना था, 10,000, तो कितना बना ये 1,550 जो है आपके पास आया इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये देख लो कमी आ रहा है इससे, तो समझ रहे हो, यही मैंने आपको पहले बता ही दी थी बात की कमी होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हाफ ईयरली में ज़्यादा होता है, तो ये मैंने पहले ही लिख दिया था आंसर, येस क्लियर है। तो हमारे पास एक ये आंसर है इसका, एक ये आंसर है और एक येस में आंसर है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, बताओ समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।